हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ठीक है मैं साइंस का एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है लाइट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। इससे आप देखिएगा कि आपकी साइंस पे बहुत ही मजबूत पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे आज, लाइट, ठीक है। लाइट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है और हम रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। कुछ हम प्रैक्टिकल चीज आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने कभी टैंक देखा है? टैंक के आप बॉटम में आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसका बॉटम जो है थोड़ा उठा हुआ लगता है ना, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। कभी पेंसिल को पार्शली इमर्ज कीजिएगा वाटर में तो देखिए कि पेंसिल हल्का बेंड हुआ नजर आता है हमें, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, सब उसका सबसे मेन रीजन है रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए तो आइए मान लीजिए, ठीक है, मैं दो केस लेता हूं, ठीक है। पहला, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तब क्या होगा, और दूसरा क्या है, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया, ठीक है, दूसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, लाइन बना दिया। मान लीजिए ये जो है रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयरर और डेंसर। अब मान लीजिए मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब लाइट यहां से अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, ये लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम में जब घुसेगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट जो है हमेशा क्या करता है, ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। ये जो रिफ्लेक्टिव रे है, ये क्या होगा, हमेशा नॉर्मल के तरफ ही बेंड होगा, ठीक है, नॉर्मल से दूर बेंड नहीं होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। ये एंगल हमेशा छोटा होगा डेंसर मीडियम में, ये एंगल जो आर है, एंगल रिफ्लेक्टिव, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा छोटा होगा एंगल आई से, ठीक है। अगर यही केस में डेंसर टू रेयरर बनाता हूं तब क्या होगा, ये समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक दो मीडियम है, ठीक है, और मान लीजिए नॉर्मल है, लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और ट्रेवल करके ये इधर भाएगी, क्यों भाएगी, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये जो आई है इस बार क्या होगा, आई क्या होगा, छोटा होगा आर से, एंगल आर से छोटा होगा आई, ठीक है, ये हमेशा रेयरर मीडियम में हमेशा दूर भाएगा। जो बेंडिंग होगा जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये क्या करेगा, हमेशा नॉर्मल से ऑलवेज वेव आएगा, देखिए एंगल ज्यादा बना रहा है ना, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा होता क्यों है, ठीक है, आपको पता है कि लाइट जो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो लाइन तो एक्चुअली लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मगर वो कब ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, जब मीडियम एक ही हो, मीडियम अगर कांस्टेंट है तब तो उसी लाइन में कांस्टेंट जाएगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मगर जहां मीडियम का दो मीडियम आ जाता है वहां पे क्या होता है, लाइट बेंड होता है, और बेंडिंग कैसे होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है लाइट, क्या करता है, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, ठीक है। वैसे देखिए ये डेंसर मीडियम है तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, ठीक है, ये चूज किया यहाँ पे, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में अगर जाता तो ये लंबा हो जाता है। एक्चुअली डेंसर मीडियम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, ठीक है, और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, हमेशा ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डेंसर, ये जो डेंसर मीडियम है इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, कोई भी पार्टिकल का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, जो क्या करता है, लाइट की जो स्पीड है उसको कम करता है, और रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ही ज्यादा होता है, ठीक है, किसके मुकाबले, डेंसर मीडियम के मुकाबले, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, चलिए
अब हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये नॉर्मल है और ये लाइट रे है यहाँ पर, और ये ऐसे बेंड हुआ, ठीक है। ये एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर, ठीक है। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, ठीक है। म्यू वन म्यू टू मत करिए, इसको म्यू ए मान लीजिए और इसको म्यू डब्ल्यू मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, म्यू जो होता है, म्यू जो होता है वो क्या होता है, म्यू हमेशा, म्यू जो होता है डेंसर मीडियम के लिए हमेशा क्या होता है, डेंसर, अगर ये डेंसर मीडियम है तो म्यू हमेशा क्या होगा, हाई होगा। अगर ये डेंसर मीडियम है तो म्यू हमेशा हाई होगा, और डेंसर मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो जब भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा यानी मीडियम डेंसर होगा तो वहां क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो डेंसर मीडियम के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर यही बात मैं बोलूंगा कि म्यू जो है रेयर मीडियम के लिए क्या होगा, तो हमेशा हाई होगा, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, रेयर मीडियम के लिए क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा लो होगा, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हमेशा ही हाई होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर म्यू जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। यानी म्यू जिसका जितना ही बड़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इसी रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर म्यू ए और म्यू डब्ल्यू का हमको ये निकालना है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ऊपर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल किसी बेस पे एक ये कर सम करते हैं। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछे म्यू जी ए यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, वी ए बाई वी जी, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, वी ए में कितना है 3 × 10⁸ बाई 2 × 10⁸, ठीक है। ये और ये कट गया, कितना आ जाएगा मेरा म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे और क्या सीखेंगे, स्नेल्स लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। मगर स्नेल्स लॉ में जाने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, रिफ्रेक्शन देखेंगे किसमें, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, सॉरी ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे लाइट कैसे बेंड हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बनाए, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रिफ्लेक्स लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, आई है। तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम में जब भी ये लाइट जाएगी ये क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। ये ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और ये आप फिर एक नॉर्मल बनाइए, ये सेकंड, ठीक है। अब ये तो डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये क्या होगा, ये आई वन है और ये आर वन है, ये क्या हो जाएगा आई टू, और जब भी ये रेयर मीडियम में जाएगी तो ये क्या करेगी, हमेशा वे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक है, यानी ये क्या होगा आर टू हो जाएगा, ठीक है। मगर देखिए यहां से जो लाइट आया है अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा इसके पैरेलल होगा, ये जो रिफ्लेक्शन रे है इसके हमेशा पैरेलल होगा, अगर हम इसको इंसिडेंट एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो हमेशा पैरेलल होगा ये दोनों, ठीक है, ये जो शिफ्ट होगा एकदम कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बेंडिंग ऑफ लाइट प्रिज्म में भी देख लेते हैं, ठीक है, प्रिज्म में क्या होगा,
प्रिज्म के केस में कैसे बेंड होगा, चलिए ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, ये अगर प्रिज्म है तो इस सरफेस का हम नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस हमने बनाया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, आप देखिए लाइट रे यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेवल करेगा तो ये जब डेंसर मीडियम में घुसेगा ये प्रिज्म में, तो ये क्या किया, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं, इस तरफ बेंड नहीं होगा, ये क्या करेगा, इधर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। अब फिर यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचेंगे। ठीक है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये मैंने खींचा। ठीक है, जब यहाँ से जब लाइट निकलेगा तो ये कैसे बेंड होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये इस साइड बेंड होगा। ठीक है, ये हमेशा इस साइड बेंड होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रिज्म का। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा स्नेल्स लॉ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको स्नेल्स लॉ बताता हूँ क्या होता है। तो स्नेल्स ने क्या बोला कि अगर मीडियम है, मान लीजिए ये मीडियम है और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है, लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ऐसे बेंड हुआ, इस केस में भी लाइट यहाँ से आया और बेंड हुआ, इस केस में भी लाइट यहाँ से आया और बेंड हुआ इधर। ठीक है, ये रेयरर है और ये डेंसर है। ठीक है, ये मान लीजिए I1 और ये अगर R1 होगा और ये I2 होगा और ये R2 होगा और ये I3 होगा और ये R3 होगा, तो क्या होगा, देखिए मीडियम सेम है, मीडियम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मीडियम कांस्टेंट है, यहाँ पे एक ही मीडियम है। ठीक है, तो स्नेल्स ने क्या कहा, स्नेल्स ने ये कहा, देखिए कि साइन, ये जो एंगल I1 है, साइन ऑफ एंगल I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R1 इक्वल टू, ये जो एंगल है, साइन ऑफ एंगल I2 बाय साइन ऑफ एंगल R2 इक्वल टू साइन ऑफ एंगल I3 बाय साइन ऑफ एंगल R3, हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये आप कितना भी साइन, और फिर फर्थर आप बना सकते हैं। ठीक है, ग्रे आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल से बेंड हो रहा है, उस केस में भी आप जितना भी रिफ्लेक्टिव ये रे ऑफ लाइट आप ये करेंगे सेम, जब तक मीडियम सेम होगा तब तक ये जो वैल्यू होगा साइन आई वन, साइन आई बाई साइन आर हमेशा ही कांस्टेंट होगा, जब तक ये मीडियम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये मीडियम जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक ये साइन आई बाई साइन आर हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, यही लॉ स्नेल्स ने कहा। ठीक है, और ये के क्या होता है, के जो होता है यही क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, यानी साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, अगली लेक्चर में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।